गुड मॉर्निंग गाइस, दोपहर के बज रहे हैं 11 और आज मैं बड़े दिनों बाद जा रही हूँ छत पे। चले छत पे चलते हैं। आज अब मैं बड़े दिनों बाद आ गई हूँ छत पे, बहुत ही दिन हो गए। वो एक ही पर्पस था छत पे आने का, वो देखो वो वहाँ पानी खड़ा हुआ है और सामान पड़ा हुआ है। और पता नहीं जब से मैं चंडीगढ़ आई हूँ ना, तब से लोग उड़ने लगे हैं, और लोग उड़ते हुए बाद में कभी दिखाऊंगी। पड़े हुए से याद आया कि मोटू भी उल्ला पड़े हुए हैं नीचे, तो मोटू की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी उल्ला होने की। पहले उनसे खाना मंगा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर मैं नीचे जाके बताऊंगी। अच्छी वाली स्टोरी है एकदम। मोटू तुम रोटी नहीं खाओगे? खाऊंगा, लेकर आ रहा हूँ। ये दाल चावल जो मोटू ने बनाए थे, ठीक है ले आओ मोटू। आजकल ना मौसम जो है ठंडा हो गया है, पहली बार मुझे ठंड लगनी शुरू हुई है। तो नीचे लेकिन ना गर्म है, नीचे गर्म है ऊपर ठंडा है, इसलिए मैं बीच में बैठ गई हूँ। और एसी बचाने के लिए अब हम बीच में आके बैठ जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, जब से मैं आई हूँ बहुत मन लग गया मेरा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत खुश होती हूँ मैं। ये वाला पोर्शन हम सोच रहे हैं कि किराए पर दे दें। वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, किचन रूम, टॉयलेट, बाथरूम। ये मैट देख लो, बारिश में एकदम ख़राब हो गया है। मम्मी जैसे मैंने कितनी बार बोला है कि जगह पे रख दिया करो, पता नहीं काम करने आई हैं कि ख़राब करने आई हैं, खबर लेते हैं उनके। रुको ज़रा, अब मैं नीचे आ गई हूँ। और ना बहुत सारे लोग भर भर के कमेंट करके पूछ रहे थे कि जीजू आपका मीटर कहाँ लगा है, पहले तो कटिया लगाती थी, मीटर कहाँ लगाया अपने, उनको प्रूफ चाहिए था। तो मीटर ये लग गया है, आप बोलेंगे तो 4 मीटर लगे हुए हैं। तो ये सारी कारस्तानी हुई है मोटू की वजह से, इसी के वजह से मोटू उल्ला पड़े हुए हैं। ये जो है ना मोटू, पता है क्या बोल रहे थे, मोटू ने जाके क्या बोल दिया उनको, मोटू ने बोला कि किसी और के मीटर में हमारे घर का तार घुसा दो। तो पहले तो उसने बहुत मारा मोटू को, बहुत मारा। और उसके बाद क्या करा, उसने बोला कि जितने ये गली में घर है ना, सबके सबके मीटर यहीं लगेंगे, अब तुम ही सबका बिल भरो। तो यहाँ पे देखो 4-4 मीटर लगा दिए मोटू ने, इतना नुकसान कराया मेरा, उसके चक्कर में मुझे जाके बीच में चढ़ के बैठना पड़ता है। चलो मोटू के हालत दिखा देती हूँ, मोटू उल्ला पड़े हुए हैं बिल्कुल ही। शर्ट है मोटू जब से चंडीगढ़ आया है तब से पहन लिया मोटू ने, पता नहीं क्यों मेरे को मस्का मार रहा है इतना। मोटू रोटी खाओगे? अरे वो मीटर वाला आया था, किस्सा तो तुमने बता ही दिया होगा, ऐसा तो छोड़ा नहीं होगा तुमने। जब मैं आपका जंगल में मंगल दिखा सकती हूँ तो मोटू, जब मेरा पोटी करना दिखा सकती हूँ, तो जब मैं लात खाऊंगा तो क्यों ना दिखाएगी। मोटू को बड़ी टेंशन चल रही है आजकल, आजकल इनके कॉम्पिटिशन में ना एजेंट नन्नू आ गए हैं, हमारे छोटे जीजा, और वो जो है जो इनका बाजा बजाए हुए हैं, और जितना कद्दू लगता है सब ले जाते उखाड़ के। बत्ती बड़ी मुश्किल से, हाँ बत्ती आया था वो बताना भूल गई, आज बत्ती आया था। बत्ती के हाथों में ना टेंशन हो गया थोड़ा सा, बताया ही था ना आपको, तो टेंशन हो गया उसको। तो फिर क्या हुआ कि वो इलाज कराने यहाँ पे आया चंडीगढ़। तो क्या होता है ना कि जब बत्ती के हाथों में टेंशन होता है तो वो यहाँ पे इलाज कराता है, और जब मेरे को पेट में गैस होता है तो मैं जाके हिमाचल में इलाज कराती हूँ। हम लोग ऐसे बैलेंस करके रखते हैं, ऐसे मतलब जोर नहीं डालते हम एक स्टेट पर कभी भी, तो ऐसा होता है हमारे यहाँ में। तो फिर वो जब आ रहा था तो मतलब आया था, अब बोला तो यही था कि सब्जी लेने आया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने उसका चैनल दबोच लिया था। वो कह रहा पता है कि एक चैनल है प्रेमिनोलॉजी, वो उन्होंने नाक में दम कर दिया हमारे,
वो उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि मतलब मैं 90% ओनर हूँ और वो 10% ओनर है। तो बत्ती को जिद चढ़ गई कि मैं 11 लूँगा, मुझसे जिद करती, मेरे दिमाग सनक गया, हाई हो गया एकदम। मैंने उसका क्या है बंद कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। तो आया था वो सब्जी छल्ली लेके कि दी तू सब्जी रख लो और प्लीज़ दे दो, जितना दे रहा है दे दो। मुझे बड़ा तरस आया उस पर, भाई है ना छोटा, रो रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू नहीं देख सकती मैं। तो वो बोलने लगा कि दी तू जो देना है दे दो। फिर मैंने सोच समझ के बहुत ही ज़्यादा मैंने विचार किया, सोचा और मोटू से भी डिस्कस किया बहुत। फिर मैंने क्या करा कि फिर मैंने उसको दे दिया है, अब मैंने उसको 9% दिया है, अब बाकी 91% मेरा हो गया है। तो क्या करता है जब वो ऐसे कुछ खुराबात करता है ना, तो मैं उसको काट लेती हूँ परसेंटेज। हमने शुरुआत करी थी 50-50 से, 50 उसका था 50 मेरा था, और उसने बीच में इतनी गलतियाँ करी हैं कि मुझे दंड स्वरूप उसका काटना पड़ता है। एक बार तो 20% भी काटा है मैंने। तो अब जो है उसके पास सिर्फ 9% है। और मैं ये बातें इतनी डिटेलिंग में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो है मुझे उसका चैनल चलवाना भी है। वो बहुत कंपटीशन में आ गया है, जो नन्नू और पुत्तन, वो इतना मतलब दही फैलाए हुए हैं, रायता फैलाए हुए हैं अपने चैनल पे और बहुत व्यू ले जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बत्ती की भी शादी कर लूँ। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दिया नाम की कोई भी औरत या लड़की हो तो प्लीज़ रिश्ता भेजें जो इंटरेस्टेड हो। और मैं पहले से ही साफ बोल रही हूँ कि उसके पास बस 9% हो जाता है उसका। दिया नाम की मुझे लड़की इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे चैनल नया खोलना है दिया बत्ती, तो ये मैंने सोच के रखा है। तो लड़की का नाम होना चाहिए दिया, और दूसरा वो कभी मुँह ना खोले, एक ये मेरी वो है शर्त, बस ये दो शर्तें हैं, ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं, यही है। और बाकी देखो लड़के में कोई कमी नहीं है हमारे, मेरे बत्ती की जो तारीफ है वो पूरे जंगल छोड़ो पूरे गांव में होती है। मेरा बत्ती जो है पूरे गांव में नज़र रखता है, कहीं पे बिजली का तार अगर टूट के गिरा होता है तो मेरा बत्ती सबसे पहले जाता है, लेके आता है, बेचता है उसको। बाकी तो उसके कारनामे आपने देखे ही हुए हैं सारे के सारे, बहुत तेज है मेरा बत्ती, पेड़ वेड़ से आम चुरा के लाना ये सब बहुत अच्छे से कर लेता है, पूरे गाँव में उसकी तारीफ है। आप लोग ने भी देखा ही हुआ है, घर गृह कार्य में एकदम दक्ष है, अच्छे से साफ कर लेता है और रेसिपी की ऐसी तैसी कर देता है, वो सब आपने देखा है। तो जल्दी से जल्दी रिश्ता भेजें, शादी मैं करूँगी एकदम धूमधाम से, जैसे पुत्तन की थी वैसे ही, बढ़िया मजा आएगा। शुक्ली, अरे कैसी हो तुम, कानपुर से इधर भी आ गई, और कितने अंडे दिए तुमने, 4, और बच्चे कितने हैं, 2, दिखे नहीं कभी, अच्छा बाहर चले गए, सेटल हो गए, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम बड़े दिनों बाद दिखी, कहाँ थी तुम, यहीं रहती थी, अच्छा चलो खुश हो, अम्मिया कैसे तुम्हारे, काम पे गए हैं, कितने मच्छर पकड़े, अच्छा 50 मच्छर, बाहर बहुत सारे मच्छर हैं, देख लेना, बच्चों से मिलवाना कभी, और बेबी होंगे तो उनके नामकरण में मुझे जरूर बुलाना, ठीक है। और देखो शिवकली वो कानपुर वाली थी जो मुझे याद आती थी, वो यहाँ के सेटल हो गई, हमें पता ही नहीं चला, बर्तन में बैठ के आई थी हमारे, बहुत खुश हूँ मैं। और मेरा बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, सब लेके जाऊँगी नीचे, चूड़ी बहुत कुछ, इंडियन जूडो पर इंका की चूड़ी नीचे लेके जाऊंगी, पता ही नहीं था मुझे। ये देखो मैंने ये गुट्टू बनाया, ये मैंने अब मैंने गुट्टू बना लेती हूँ, तो उससे क्या होता है मुंह पे बाल नहीं आते, नहीं तो मुंह पे बाल होता तो मुझे ऐसे ऐसे ना इरिटेशन हो जाता है। गुट्टू बना के रखती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है मेरे को। और मैं सोच रही थी कि आप तो जानते ही हैं मुझे 5 महीने से गैस हुआ पड़ा है, तो वैसे तो मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती हूँ, और मेरी जो आंटी हैं वो पानी भी चढ़ाती हैं मेरे को रेगुलर, और सब कुछ है और सब कुछ बताती भी हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी हैं वो। जैसे कि उन्होंने मेहंदी वहंदी का बताया, मेहंदी लगानी है नहीं लगानी है, और खाने की पूरी तासीर मुझे समझाई है उन्होंने, और ये भी बताया कि कौन से सीज़न में कौन सा फल सब्जी लगता है, ये भी बताया सब कुछ,
सब कुछ बताती हैं वो मेरे को। और लेकिन भला हो आप लोगों का जो आप मुझे भर भर के कमेंट करते हैं। मुझे अब पता चला कि कोई सुइयां भी लगनी है, सुइयां लगती हैं और मेरा कागज बनेगा उसका, तो ये मुझे अभी पता चला है। तो उनसे मैंने पूछा, वो मुझे नहीं बताई, वो डॉक्टर मुझे बताई नहीं, बताओ 5 महीने निकल गए, वो डॉक्टर ने मुझे बताया नहीं सुइयां कहाँ से लगेंगी। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है और मुझे ये शक है कि वो डॉक्टर ही है कि तांत्रिक। तो वो डॉक्टर का तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि 3रे महीने में लगती है सुइयां, कोई बोल रहे थे कि 4थे में, कोई बोल रहे थे 5वें में, किसी ने बोला 7वें में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी सुइयां कब लगती हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिख दिया था कि जाके आहुची की गुइयां खा लो। अब नीचे भर भर के कमेंट कर देना कि मैं सुइयां लगवाऊं कि गुइयां खा लूं, बता देना आप लोग। बहुत मूड खराब हो रहा है मेरा, फोन आ रहा है पता नहीं। हेलो, हेलो, इनका जी बोल रहे हैं? हाँ, हम इनका बोलत बानी। तुम भैया बिहार से बोलत बानी? नहीं जी, हम चंडीगढ़ से ही बोलत हैं। मैं क्यों भोजपुरी में बात करने लगी? तो सिर्फ बिहार से बोलते क्या? अरे नहीं नहीं जी, हम ये चंडीगढ़ से बोलत हैं, समुंदर रतन से। समुंदर रतन से? हाँ जी बोलिए, क्या काम है आपको? अरे आपका वजीफा में इंटरेस्टेड है का? हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ क्या काम करना है मुझे। देखो, हम आपको डीजल कराएंगे और 500 रुपया देंगे आपको, बदले में हमारा रेस्टोरेंट का प्रचार करना होगा। लेकिन आप तो जानते हैं ना मुझे 5 महीने का गैस हुआ पड़ा है। अरे हाँ हाँ, हमको पता है आपका गैस है सर, हम सब उसका इंतजाम किए हैं। यहाँ पे सब हम टेबल दूर दूर लगाए हैं, वेटर दूर दूर से खाना देगा और सब सफाई का ध्यान रखे हैं। और आप आइए, यहाँ पे सब इंतजाम बढ़िया से रखे हैं, आपके गैस का सारा इंतजाम है यहाँ पे। और हाथ धोने का? अरे हाथ भी हम धुला देंगे, टेंशन नहीं है, गमछा है हमारे पास, पहुँच लीजिएगा। ठीक है। और मोटो को भी पहनना पड़ेगा मास्क? हाँ, वही हम बोलने वाले हैं कि हमने देखा है मोटो बिना मास्क घूमते हैं। मोटू के मास्क लगा के आएंगे ना, मेरे तो धरती माता वाला लगाते हैं, लेकिन लगा के आए तो हम रेस्टोरेंट में नहीं घुसने देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक बानी। अच्छा सुनो, अच्छा सुनिए आप एक बात देखो ना, नाम कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है का? हाँ, एक तो मैं खाली फ्री में डिनर नहीं करूँगी, पैसा भी लूंगी। दूसरा ठीक, पैसा कितना देंगे? हम तो देंगे आपको 2000 रुपया। चलो चला लूंगी, 3 लोगों को लाऊंगी लेकिन खिलाने। तब हम आपको 500 रुपया देंगे? नहीं, कम से कम 1000 लूंगी। ठीक है जी, ना हमारा ना तुम्हारा, 750 रुपया टोन। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा और एक बात और है कि मैं नाम नहीं लूंगी, मैं यही बोलूंगी कि वजीफे का नहीं है ये। ठीक है जी, चलेगा चलेगा। टाइटल में आपको लिखना पड़ेगा समुंदर रतन। टाइटल में लिख दूंगी, ठीक है चलो टाइटल में लिख दूंगी, समुंदर रतन लिखना है ना बस। हाँ, समुंदर रतन जाएगा, कल लिखना पड़ेगा। ठीक, ओके ठीक है जी, फिर मिलते हैं डिनर पर। ठीक है, आती हूँ मैं 2 घंटे में तैयार होके। ओके। तो मुझे बड़े दिनों बाद वो वजीफा मिला है और मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ पहला वजीफा मिल गया मुझे। तो चलिए, मोटू को भी लेके जाना है मुझे, तैयार करना है मोटू को, तो चलते हैं मोटू के पास। मोटू क्या हो गया, आप रो रहे हैं? मोटू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। मोटू क्यों रो रहे हो? मोटू सोने लगते तुसी, रो नहीं मोटू। मैं तुम्हारे लिए तुम लोगों को फेक आईडी बना करके मैं बोल रहा था कि कंटेंट कॉपी मत करो, अपना कुछ कर लो। अब भर भर के लोग आके मुझे गाली दिए। तो मोटू क्यों कर रहे हो ना, वो पकड़ लेते हैं, वो पहले वाले बैच चली गई ना, नई बैच आई है। 80 आईडी बना करके मैंने किया, हर बार पकड़ लिए। तो मोटू मत करो ना, छोड़ दो, है ना, फिर से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल को फिर से बना। हर बार मैं एक ही मैसेज करता था, कंटेंट कॉपी मत करो, फिर ही पता नहीं कैसे पकड़ लेते थे वो। एक काम करो मोटू, कल को फिर नई फ्रेश बना। प्रेम लॉजी वालों को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत वो परेशान कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लो उनको।
मोटू एक काम करना, कल फिर से बना लेना, अब छोड़ दो। देखो आज जो है आज खुशी की बात है, खुश हो जाओगे आप सुन के, वजीफा आया हमारा। क्या बात, वो भी खाने पीने का। रोटी खाओगे वहाँ पे जाके कि डोसा? मैं तो पूरा रेस्टोरेंट खाऊंगा आज। चलो बाद करोना गया भाड़ में। और क्या क्या, चलो चल तैयार हो जाओ फिर। चलो मैं तैयार। मैं तैयार हो गई हूँ एकदम खाना खाने के लिए। आज मैंने बिंदी भी लगाई है और ये मैंने कुर्ती पहनी है, ये एकदम खुल्लम ढुल्लम ढल्लम है, एकदम एक्सेल साइज़ की, एकदम ढुल्लम है ये। तो प्रॉब्लम मैं बहुत फेस कर रही हूँ आजकल कि मैं रात में कपड़े पहन के सोती हूँ, सुबह टाइट हो जाते हैं। और मैंने जो भी आपको बताया, पुतन की शादी में मैंने बहुत ही ज़्यादा महंगे ब्रांड, बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड, बहुत हाई क्लास, एकदम एक्सपेंसिव वाले कपड़े खरीदे थे, एकदम ब्रांडेड। चाहे तो आप भी सर्च कर सकते हैं वो वाले कपड़े। तो वो भी क्या हुआ, रातों रात टाइट हो गए। अब मैंने ये फिर से मंगाए हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको अभी गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उनके साथ शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए। और मैं ये बता दूँ कि वो वजीफे वाला सामान नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया है ना, वजीफे वालों ने भी ना नया ट्रेंड निकाला है कि उन्होंने बोला है कि बोल दो वजीफे वाला नहीं है। होता वो वजीफे वाला है लेकिन हमको बोलना है वजीफे वाला नहीं है वो। तो वो मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, आप लोग बताना इसमें करूंगी या नेक्स्ट में करूंगी। करूंगी। और ये देखो एकदम एक्सेल साइज़ के, एकदम ढुल्लम ढुल्लम है। और चलिए चलते हैं अब हम खाना खाने। ये हमारे दो मास्क हैं, इसमें बड़े कान वाला मोटू का है या मेरा है, और छोटे कान वाला मेरा है या मोटू का है। धुल के रखे हैं मैंने, ये मास्क निकाल लिया मैंने। मोटू ने गाना चलाया हुआ, बहुत मजा आ रहा है। मछली जल की रानी है, मोटू पी गया उसका पानी, हो गई मछली की खत्म कहानी। मोटू भी बैठे हुए मास्क पहन के, धरती माता का पहना है। मोटू तुमको तो मैं कितना बोलती थी ना, मास्क पहन लो मास्क पहन लो, तुम तब तो कभी नहीं पहने। मोटू वजीफे के लालच में पहन के जा रहे हैं। और प्रेमरोलॉजी चैनल ने इनको इतना छेड़ा कि मोटू उनको थैंक्स तो बोल दो, एटलीस्ट थैंक्स बोल रहे हैं प्रेमिनोलॉजी। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी कर लो प्रेमिनोलॉजी को। क्या मतलब, उन्होंने मोटू को पहनवा दिया उनके, देखो मुंह में दबा के बैठे हैं, नाक तो कट गई है लेकिन मुंह में दबा के बैठे हुए हैं मास्क को। पार्किंग खाली मिल गई, समुंदर रतन वालों ने खाली करा के रखी हुई है। ये पहुंच गए हम समुंदर रतन। चल पगली। और आज हम खाएंगे ढेर सारे डोसे। कोरोना से मैं डरती नहीं हूँ, कोरोना मुझसे डर जाता है। मोटू फ्री चटनी जेब में मत डालने की कोशिश करना, पिछली बार आपने जेब में डाल ली थी चटनी। और अब मैं आके बैठ गई हूँ, बहुत थक गई मैं। बहुत अच्छा उनका था खाना, बहुत अच्छा लगा। और बहुत टेस्टी बनाते हैं वो, रवा उत्तपम, डोसा, चटनी, सांबर, बड़ा, इडली। हाँ ये देखो, ये बोरी में मैंने सारा का सारा कबाड़ ऊपर से भर दिया था। अब इसको बेच के मोटू लाएंगे छल्ली मेरे लिए, और उसका हम पीसेंगे और बनाएंगे आटा। बहुत सारी वो बिंडियाँ उठा लाया, बहुत सारी बिंडियाँ लाया है, कद्दूएँ लाया है, तुरियाँ लाया है, गुइयाँ नहीं, गुइयाँ तो उसके यहाँ औचे के यहाँ दे के आया। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 2 और हम लोग हाँ कल खाना खा के आए, बहुत खा लिया था तो सो गए। फिर मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं करी और मैंने बाल वापस से गुट्टू कर लिए हैं। और आई नो आप लोग नोटिस कर लेंगे कि मैंने मुँह हाथ नहीं धोए हैं, कपड़े नहीं चेंज किए हैं, यहाँ तक कि बिंदी भी हटी नहीं है मेरी कल रात की। पर देखो मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, कोरोना से भी डरती नहीं हूँ। कोरोना भी मेरे घर आके बर्तन मांज के जाता है, तो मुझे ना सिखाना, आई डोंट केयर। चलो सब चीज़ों में हाथ लगा के आते हैं अब। चलो कपड़े लगा लेते हैं, नया म्यूज़िक सुना देते हैं।
गाइस प्रेमिनोलॉजी चैनल वालों ने ना वो भी बात पकड़ ली कि मैं जूम करके खाना बना के बोल देती हूँ, मतलब मम्मी जी बनाती हैं और मैं बोल देती हूँ कि खाना मैंने बनाया, तड़का मैंने लगाया है। तो फिर अब लोग सवाल करने लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, आज सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ, दूर से शूट कर लूँगी और तैयारी तो सारी मम्मी मोटो ने मिल के कर दी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स गार्लिक वेजिटेबल, बहुत स्वाद लगती है, सर्दियों में ज़्यादा खानी चाहिए, बॉडी एकदम गर्म हो जाती है। आलू डाल सकते हैं इसमें, पर आलू मत डालना, मटर डालना 1 किलो और आधा किलो गाजर डाल देना, बहुत ही स्वाद लगती है। और टमाटर हो तो टमाटर बहुत सारे डालना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार। निकालो, मेरे ऊपर चूल्हे रख दी, देखते आई तू। मम्मी जी ने अपनी उंगलियां फंसा ली स्टोव के नीचे, तो चलो वही मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा ऐसे फालतू के शॉट निकालते निकालते। पता नहीं कैसे आप लोग उसका पूरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे भी दिखवाते हैं कि और बनाओ, पर ठीक है मेरी प्रेरणा है वो। तो यही था मेरा छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ब्लॉग, देखते रहिए इंडियन यूट्यूबर इनका को प्रेमिनोलॉजी चैनल पर। और मैं देख रही हूँ आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही निकल जाते हैं हंस हंस के, तो लाइक कर दें नहीं तो फिर मैं लखनऊ के घुइयाँ खिलाने आ जाऊँगी आप लोगों को। बाय, ये दीदू वाला स्टाइल है।